इस कहानी में हम देखेंगे जब एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह पर पहुंचते हैं और वो लोग कुछ सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है वहां भयानक तूफान आने वाला है और उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि उन्हें भागकर वापस अपने रॉकेट की तरफ आना है और उनके पहुंचने तक तूफान आ जाता है। ये तूफान बहुत ही भयावह होता है। तभी हम मार्क बॉटनी को देखते हैं जिससे कोई चीज आकर टकराती है और वो हवा में गुम हो जाता है। उनके साथी उन्हें बहुत खोजते हैं और उससे कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क बॉटनी का कोई भी अता पता नहीं चलता और इन्हें लगता है कि शायद वो अब मर चुका है। और अब ये लोग अपने रॉकेट से वापस पृथ्वी की तरफ बढ़ जाते हैं। जब तूफान शांत हो जाता है तो हम मार्क बॉटनी को देखते हैं जो कि जिंदा होता है, लेकिन उसके पेट में एक छोटी सी रॉड घुस जाती है। वो बहुत हिम्मत करके उठता है और वहाँ उनका कैंप होता है जहाँ वो रहते थे, और वो उसके अंदर जाता है और वो उस रॉड को भी निकाल लेते हैं। मार्क अब वहाँ अकेला होता है और उसके साथी भी जा चुके हैं जो कि उसके साथ यहाँ पर आए थे, और संपर्क के सारे साधन टूट जाते हैं जिससे वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता। अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे 4 सालों तक का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल के बाद है, लेकिन उसके पास इतना खाना और पानी नहीं होता है जिससे वो इतने दिनों तक जिंदा रह सके। उसने मेंटोस तो नहीं खाया था, लेकिन उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचता है क्यों ना खेती की जाए। अगर ऐसा वो कर पाया तो वो यहाँ जिंदा बच पाएगा। अब मार्क बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करता है, वो खेत की तरह लाइन बाय लाइन मेड़े तैयार करता है और वो खाद भी तैयार करता है, लेकिन ये खाद उसकी पॉटी से बनी होती है और वो मिट्टी के अंदर आलुओं को रख देता है। लेकिन अब उसे बहुत सारा पानी चाहिए था जिससे वो इन आलुओं को उगा सके, और वो ये बात जानता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर हमें पानी मिल जाएगा। लेकिन मार्क जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को साथ में मिलाकर आग जलाता है तब वहाँ जोरदार धमाका होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने अपनी ऑक्सीजन कैलकुलेट नहीं की थी, और अब वो समझ जाता है कि किस तरह से पानी बन पाएगा, और अगली बार वो पानी बनाने में सफल हो जाता है। और अब हम देखते हैं वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं, और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक छोटा सा पौधा जन्म लेता है जिसे देखकर मार्क को बहुत ज्यादा खुशी होती है। और यहाँ धरती पर ये ऐलान कर दिया जाता है कि हमारा प्यारा मार्क अब शहीद हो चुका है, और ये लोग तो उसको श्रद्धांजलि भी दे चुके होते हैं। इसी बीच हम एक ऑपरेटर को देखते हैं जो कि सैटेलाइट की मदद से मंगल ग्रह की उसी जगह को देखती है जहां पर ये लोग गए थे, और वहां पर उनके रखे हुए इक्विपमेंट्स मूव हो रहे थे। अब वो कॉल करके बाकी टीम को यहां पर बुलाती है। ये सारे लोग समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन ये लोग अनुमान लगाते हैं कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब मार्क मर चुका होगा क्योंकि हमें वहां पहुंचने में कुछ महीनों का समय तो जरूर लग जाएगा। अब हम देखते हैं मार्क को टोटल 70 दिन हो चुके हैं, और अब वो हिसाब लगाता है कि मार्स पर जो अगला मिशन उतरेगा वो आज से 4 साल बाद का है, और वो मिशन यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर का होगा, और वो ये भी कैलकुलेट करता है कि उसे पहुँचने में कितना समय लगेगा। यहाँ हम धरती पर देखते हैं मार्क को उसके जरूरत का सामान और खाना भेजने की तैयारियां चल रही थी। ये लोग जिस ऑब्जेक्ट से सामान को भेजेंगे उसे पहुँचने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा, और इनका सोचना ये है तब तक मार्क भूख और प्यास से मर जाएगा। और हम यहाँ मार्क को देखते हैं जो कि अपने में मस्त फसल उगा रहा था, और बड़े आलुओं को खाने में इस्तेमाल कर रहा था और छोटे आलुओं को दोबारा जमीन पर बो देता था जिससे वो और आलुओं को उगा सके। और अब वो नासा से संपर्क करने की कोशिश करता है, और वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर एक पार्थ फाइंडर था और वो 1997 में खराब हो गया था। और जब वो उसे लेने जाता है तो धरती से सैटेलाइट की मदद से वो लोग देख रहे होते हैं कि वो पार्थ फाइंडर को ढूंढने जा रहा है, और उसे वो मिल भी जाता है। ये डिवाइस सिर्फ फोटो क्लिक करके भेज सकता था। अब हम मार्क को देखते हैं जो कि एक बोर्ड लगाता है जिसमें लिखा होता है क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, और उसमें एक तरफ यस और नो लिखा होता है, और अब कैमरा यस की तरफ मूव करता है यानी कि वो लोग इसे देख पा रहे हैं, और इस बात से मार्क को बहुत खुशी होती है। और अब मार्क उनसे बात करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करता है, और अब वो इन लोगों से चैट भी कर पाता है। और अब नासा की टीम कहती है हम तुम्हारे लिए खाने का सामान भेज रहे हैं, और वो लोग बताते हैं कि अभी तक हमने तुम्हारी टीम को नहीं बताया है कि तुम जिंदा हो, और वो लोग अभी स्पेस में ही होते हैं। और अब नासा उसकी टीम को बताता है जो कि अर्थ की तरफ वापस आ रहे थे कि मार्क अब भी जिंदा है। ये सुनकर वो लोग बहुत अफसोस करते हैं कि उन लोगों ने उसे वहाँ अकेला छोड़ दिया। वो उन सभी लोगों को दिखाता है कि वो किस तरह से खेती कर रहा है, और वो सभी हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। वहाँ एक टेक्निकल खराबी हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और उसकी पूरी फसल तबाह हो जाती है। ये फसल उसने बहुत ही मुश्किल से उगाई थी, लेकिन अब तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अब मार्क देखता है
उसके पास लिमिटेड आलू होते हैं। जब तक उसके पास मदद पहुंचेगी तब तक वो भूखा ही मर जाएगा। नासा को ये बात पता चलती है और अब टीम उनसे कहती है कि तुम्हें अब बहुत कम खाना खाना होगा जिससे तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाओ। और अब वो वैसा ही करता है, वो लिमिटेड खाना ही खाता है। वो अपने खाने को 4 हिस्सों में बांट लेता है। और अब हम देखते हैं उसके लिए खाना भेजने की तैयारियां चल रही थी। इस मिशन को भेजने में ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए ये लोग लॉन्च की टेस्टिंग नहीं करते और डायरेक्ट रॉकेट को फायर कर देते हैं। सभी खुश होते हैं कि रॉकेट अच्छी तरह से लॉन्च हो गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही वो रॉकेट ब्लास्ट हो जाता है। और इस नाकामी से सभी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि यही एक आखिरी सहारा बचा था। मार्क नासा को एक मैसेज करता है जिसमें वो लिखता है, मॉम एंड डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको देखना चाहता हूँ। ये बात हर देश में फैल चुकी होती है कि अमेरिका का एक एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह में फंसा हुआ है। और अब हम देखते हैं चाइना नासा की इसमें मदद करता है क्योंकि स्पेस में जाने के लिए चाइना की फुल तैयारी होती है। और अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रिच होता है, जो कि नासा टीम का एक मेंबर होता है। वो नासा को एक प्लान बताता है। वो कहता है जो लोग अर्थ पर वापस आ रहे हैं, अगर वो अर्थ में वापस ना आए और अर्थ का चक्कर लगाए तो हम उनको स्पेस में ही जरूरी सामान भेज देंगे और ये लोग वापस मंगल ग्रह की ओर जाएंगे, लेकिन वो ग्रह के अंदर नहीं जाएंगे। इसके लिए मार्क को मंगल ग्रह से बाहर आना होगा और वो स्पेस में ही उन लोगों के पास पहुंच जाएगा और फिर सारे लोग एक साथ हमारी पृथ्वी पर आ जाएंगे। अब हम मार्क की टीम को देखते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे थे और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग मार्क को वहाँ लेने जाएंगे। और अब वो लोग निकल पड़ते हैं उसे लेने के लिए। वो लोग ये काम नासा को बिना बताए ही करते हैं। और अब नासा की टीम देखती है कि उनका स्पेसशिप मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है और अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये उसे बचाने जा रहे हैं। और अब नासा की टीम चाइना के साथ मिलकर उनके जरूरत का सामान भेजने की तैयारी करती है जिसे वो सफलतापूर्वक भेज देते हैं। और अब हम मार्क को देखते हैं, वो उस रॉकेट की तरफ बढ़ चुका है जो उसे स्पेस में ले जाएगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इस रॉकेट का वजन बहुत ज्यादा होता है और कम फ्यूल के साथ इतनी दूरी तय कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद वो रॉकेट से बहुत सारे सामान को बाहर निकाल फेंकता है। ये सारा माजरा हर कंट्री के लोग देख रहे होते हैं और वो उसके लिए दुआ भी कर रहे होते हैं। और अब उसका रॉकेट उड़ान भरता है और वो अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। ये क्रू मेंबर्स मार्क से कनेक्टिविटी की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद वो बेहोश हो चुका है। ऐसा शायद दाब बढ़ने की वजह से हो, लेकिन कुछ देर के बाद उसे होश आ जाता है। लेकिन अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। मार्क के स्पेस की स्पीड बहुत ज्यादा है और उसे स्पेस में पकड़ पाना इतना भी आसान नहीं है। इस पर बॉटनी बोलता है, मैं अपने स्पेसशिप पर छेद करूंगा और जिस डायरेक्शन में मुझे जाना होगा उस डायरेक्शन में मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन ऐसा करने पर उसकी कैप्टन उसे मना कर देती है। उस टीम की कमांडर फ्लाइंग चेयर में बैठकर मार्क को स्पेस में पकड़ने जाती है, लेकिन कुछ दूर जाकर उसकी रस्सी खत्म हो जाती है और अब उस तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। और अब हम देखते हैं मार्क अपने सूट में छेद कर देता है और वो उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देता है और वो हवा में उड़ते हुए लीडर के पास पहुंचता है। लेकिन उसी बीच मार्क का हाथ छूट जाता है और अब वो लीडर से बहुत दूर जा चुका है। लेकिन इसी बीच वो उस रस्सी को पकड़ लेता है और ये लोग अब साथ साथ स्पेस में घूमने लगते हैं और इस तरह मार्क की जान बच जाती है और नासा के सारे लोग खुशी के मारे झूमने लगते हैं। हर तरफ खुशी का माहौल छा जाता है, जैसे कोई अपना घर आ चुका है। और अब हमें दिखाया जाता है मार्क धरती पर होता है और वो एस्ट्रोनॉट्स को सिखाता है दूसरे ग्रहों में हम किस तरह से अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।